हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में आप एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा, जिसे बायोलॉजी कहते हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में अक्सर इससे एक या दो नंबर का क्वेश्चन बनता है। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बायोलॉजी कहते किसे हैं, व्हाट इज़ बायोलॉजी। तो देखिए, बायोलॉजी इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस। ये ब्रांच साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में और लाइफ की स्टडी करते हैं, तो उसे बायोलॉजी कहा जाता है। और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो प्लांट और एनिमल होते हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर हम प्लांट की स्टडी करते हैं तो उसे बॉटनी कहा जाता है। अगर आप एनिमल्स की स्टडी किया जाए तो उसे जो है जियोलॉजी कहा जाता है। तो ये दोनों एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछता है। अक्सर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी ये पूछ देता है कि स्टडी ऑफ प्लांट इज़ नोन एज व्हाट, तो योर आंसर शुड बी बॉटनी। अब हम बात करेंगे जो एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अक्सर पूछा जाता है कि हु कॉइन द टर्म बायोलॉजी। तो इसका जो आंसर है वो आपका लैंडमार्क है। लैंडमार्क ने पहले सबसे पहले यूज़ किया था टर्म बायोलॉजी को। और इन्हें जो लैंडमार्क है, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो है किसने दिया था। तो इसका जो आंसर है वो लैंडमार्क है। इसी तरह जो दूसरा क्वेश्चन है वो बनता है हु इज़ नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी। तो देखिए, इसका जो आंसर है वो आपका एरिस्टोटल है। एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। और इसी तरह एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि हु इज़ ऑल्सो नोन इज फादर ऑफ जियोलॉजी। तो फादर ऑफ जियोलॉजी है वो एरिस्टोटल, दोनों है, फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जियोलॉजी जो है एरिस्टोटल है। आप इसको ध्यान रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और बनता है कि हु इज़ नोन एज फादर ऑफ बॉटनी। तो इसका जो आंसर है वो थियोफ्रेटस है। तो ये तीन चीज़ जो तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी के टर्म से, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ये रेलवे का और एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है बायोलॉजी के फील्ड से। अब हम बात करेंगे सेल के बारे में, सेल किसे कहते हैं। तो देखिए, सेल जो है एक बेसिक स्ट्रक्चर है लाइफ का, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो, और ये फंक्शन यूनिट भी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। और इसे जो है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है सेल को। और सेल जो है दो तरह की होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक और एक होती है यूकैरियोटिक। मैं आपको इन दोनों के बारे में एक अच्छा सा वीडियो बना के दिखाऊंगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है और इसे क्या कहते हैं। सो अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं जो सेल से पूछा जाता है, हु कॉइन द टर्म सेल। तो इसका जो आंसर है रॉबर्ट हुक है। रॉबर्ट हुक ने विद द हेल्प ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इन्होंने कॉर्क में जो है डेड सेल देखा था और इन्होंने पहला टर्म यूज़ किया था सेल के बारे में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु कॉइन द टर्म सेल। सो योर आंसर शुड बी रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक साहब ने पहले सेल को डिस्कवर किया था विद द हेल्प ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसी तरह आपका एक दूसरा क्वेश्चन बनता है जो मैं आपको बताता हूँ, वो है अब दो इम्पॉर्टेंट काफ़ी क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन है कि विच इज़ नोन एज लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड। सो योर आंसर इज ऑस्ट्रिच एग, जो 6 इंचेस का होता है, उसका जो डाया है 6 इंचेस का होता है और ये लार्जेस्ट सेल है जो अभी तक नोन है हमें। और दूसरा जो क्वेश्चन है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट एनिमल सेल। सो इसका आंसर है नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन है उसे लॉन्गेस्ट एनिमल सेल है हमारे पूरे नोन अर्थ में। सो फ्रेंड, ये थी इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका वीडियो। आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ सेल के बारे में बताऊंगा, जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होते हैं, और इसके कमिंग वीडियोस में आपको क्या क्या डिजीज़ होती हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सो सब्सक्राइब अवर चैनल।